नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन विच द सम ऑफ हुज वन डायगोनल एंड वन साइड इज 9 सेंटीमीटर। एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका डायगोनल और एक लाइन दी गई है जिनका जोड़ 9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच लेंगे। जो कि उसके डायगोनल, यानी कि ये डायगोनल है और ये वन साइड है, इनको अगर हम जोड़ दें तो 9 सेंटीमीटर लाइन आती है, उसका हमें स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके एक साइड 45 डिग्री एंगल बनाएंगे और दूसरी साइड 22.5। तो ये है ए पी। हमने 9 सेंटीमीटर लाइन खींची, पॉइंट ए और पी लिया। पॉइंट ए पर सबसे पहले 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, अब 90 डिग्री का हाफ कर देंगे। उसी रेडियस से एक बार यहाँ रखेंगे कंपास और एक बार 90 डिग्री के एंगल पे, ये हो गया 45 डिग्री। दूसरी साइड भी हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है। उसे बनाने के लिए उसी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री तक जितनी लेंथ है उस लेंथ से इसको हम काट देंगे। इस साइड भी 45 डिग्री एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब 45 का भी हाफ करेंगे, 22.5 हो जाएगा। इधर हमने लिया है 22.5 एंगल, यहाँ पर लिया है 45 डिग्री एंगल। ये दोनों एंगल यहाँ पॉइंट डी से जाकर मिलते हैं, तो ये हमारी एक लाइन हो गई ए डी। इसको डार्क करेंगे। जितनी ये लाइन है ए डी, हम कंपास में इसको रेडियस लेंगे और इसी लाइन से डी को सेंटर लेकर नीचे जो डायगोनल है उसको काट देंगे। ये आ गया सी, डी से सी को मिलाएंगे, ये दूसरी लाइन आ गई हमारी। उसके बाद इसी रेडियस से जो सी डी रेडियस है, हम नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे सी को सेंटर लेके और ए को सेंटर लेकर उस आर्क को क्रॉस करेंगे। ये आ गया पॉइंट बी, ए बी सी डी को डार्क कर देंगे। ये देखिए यहां पर एक स्क्वायर बन गया है।